नमस्ते किसान भाई, जैविक खेती गाय पालक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल पे आप हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाइए। आज हम आपको जैविक तरीके से लौकी की दो वेराइटी का बीज कैसे तैयार किया जाता है, कब तैयार किया जाता है और कौन कौन से सिचुएशन में कितना समय लगता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बढ़िया लगेगी। तो हमने एक लौकी का पेड़ लगाया जो हमने फरवरी के महीने में लगाया। ये हमने टेरिस गार्डन की टनक तरीके से लगाया, एक प्लास्टिक के कट्टे के अंदर लगाया। तो इसकी जितने भी शाखाएँ वो सब हमने हटा दी और इसमें केवल हमने एक ही फ्रूट रखा। ये जो इसकी बेल है उसमें केवल एक ही फ्रूट हमने इसमें सेट होने दिया, जो लौकी की लंबी साइज का। तो आप भी ये ध्यान रखा करो, जो पहला फ्रूट आएगा वो एक या दो जितने भी फ्रूट आते हैं इसमें वो ही रहने देना और उसके बाद में आपको दूसरे फ्रूट इसके ऊपर नहीं लेना। और जितनी इसकी साइज फुल बढ़ सके उतनी इसको पढ़ने दो और इसको बढ़िया समय टू समय आप इसको पानी देने का काम शुरू करो। इसी प्रकार हमने ये पौधा आप देख सकते हैं, नीचे से हमने पूरी इसकी ब्रांच हटा दी और केवल ये गोल लौकी के लिए एक हमने ये एक ही फ्रूटिंग के लिए हमने छोड़ा। तो आप देख सकते हैं हमने ये मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में ये लगाया था। तो अभी इसको मई का महीना हो गया है। तो मई के महीने तक हमने केवल इसके ऊपर दो अलग अलग बेलों के ऊपर दो ही फ्रूट छोड़े हैं। और तो अब हम इनको एग्जेटिक इसी प्रकार रखेंगे, कम से कम 3 से 4 महीने तक इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है वो आ जाएगी और ये धीरे धीरे सूख जाएगी। जब तक बेल और फल दोनों सूख नहीं जाए तब तक आपको इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है और जिस उचित मात्रा में खाद और पानी समय समय पे देते रहना। अब आप अभी की जो स्थिति है इसकी आप मान सकते हो, अभी इसकी 3 महीने की स्थिति है तो इसकी आप देख सकते हो बढ़िया लंबाई हो गई, कम से कम 3.5 फीट के आसपास इसकी लंबाई हो गई और बढ़िया स्वस्थ फल है इसमें। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो ये फ्रूट हो इसमें कहीं से भी फल मक्की का कोई डंक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। मतलब अगर फ्रूट फ्लाई फल मक्की का डंक होगा इसमें तो अंदर से ये बीज इसका खराब होने का चांस रहेगा। तो जो आपको फ्रूट सेट करना है वो अच्छी तरह देखना है कि चारों तरफ से बिल्कुल ओके स्थिति में है, इसके ऊपर फल मक्की का डंक तो नहीं है, कहीं से कटा छटा तो नहीं है। इस प्रकार से आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी। अब आपको इसकी 7 से 8 महीने बाद की स्थिति बताएंगे। अभी ये 3 महीने की स्थिति हमने इसकी बताई है। तो 6 महीने बाद में आपका फिर चैनल में स्वागत है। हमने ये 6 महीने तक तपस्या की है कि ये क्या नाम से जो फ्रूट है उनको इस प्रकार से छोड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो इसकी बेल है वो भी जलने लग गई है। तो हमने ये करीब लंबी वाली लौकी के 2 फ्रूट रखे हैं और गोल वाली लौकी का 1 फ्रूट रखा है। तो इसको देखने का तरीका ये है कि इसके पास आप जाके इस प्रकार से लाओगे तो इसमें बीज हिलते हुए नजर आएंगे, इसका मतलब ये पक गया और जो बेल है वो 70 से 80% सूख जाएगी और इसमें कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं बीज तैयार होने में। तो आप जब ये बिल्कुल परिपक्व सूख जाए और बाहर से बिल्कुल कड़क हो जाए उस समय इसको तोड़ने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से ऊपर से इस प्रकार चक्कू की मदद से काट लेना और काट के आपको इसको 10 से 15 दिन आपको ये काट के और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे छाया हो और गिलहरी, सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की बात है कि ये जो फ्रूट है इनको गिलहरी से दूर रखना है क्योंकि गिलहरी इसको काट कर अंदर की तरफ कुतर कर बीज को खराब कर देती है। तो मिलते हैं 15 से 20 दिन बाद में और इसका बीज आपको निकाल के बताएंगे किस प्रकार से इसमें बीज पका है और कौन सा बीज कच्चा है। और इसमें कम से कम 80% जो बीज है वो पका हुआ है क्योंकि हमने बेल और फल दोनों पकने के बाद में इसको निकाला है। ठीक है, 15 दिन बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। इस पौधे को हम हिलाएंगे तो ये देखो आवाज आ रही है बीजों की, इसी प्रकार इस जैसे बीजों की आवाज आ रही है और ये इसका मतलब ये जो बीज है वो परिपक्व हो गए। इनको हम चक्कू या पत्थर की मदद से इस प्रकार फोड़ के देखेंगे।
आप देख सकते हैं इस प्रकार मदद से हम इसको फोड़ के देगा और इसका जो अनावश्यक गुच्छा है वो हटा के देगा। तो आप देख सकते हैं एक एक फ्रूट के पौधे में कितना बीज निकला। ये देखो ये जो बीज है ये परिपक्व है, ये परिपक्व अवस्था में, और जो हल्का सफेद है और जो टूटने में बिल्कुल आसानी से, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये देखो ये बीज कच्चा है। इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर जो ये पपड़ी है वो नहीं बनी है। और दूसरा जो डार्क डार्क ग्रे है वो वाला बीज ब्रेक नहीं होगा, आपसे अपने फुल हाथ की ताकत लगाओगे तब भी। तो आप देख सकते हैं इस लौकी से हमें इतना बीज ये प्राप्त हुआ। एक गोल लौकी से इतना बीज प्राप्त हुआ हमें। आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा भी नहीं तो 200 पीस बीज के प्राप्त हुए हैं। इसमें जो ये है हल्का हल्के लाइट व्हाइट कलर में, ये कच्चा बीज है, किस काम का नहीं है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो कच्चा बीज है उसको रखिए। इसको आप पॉलीथीन के अंदर पैक करके सुरक्षित रख सकते हैं और जब भी लौकी लगाए तब काम में ले सकते हैं। ये गोल वाली लौकी का बीज हमारे पास एक का ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार हम ये दूसरा इसका निकाल दें। इसका निकालने का तरीका भी ये कि ये जिसका मुंह है, मुंह वाली जगह से आपको इस प्रकार से फोड़ना है और फोड़ने के बाद में इस प्रकार ये तो देख सकते हैं इसमें भी एक दो के अंदर कम से कम 500 पौधों के आसपास बीज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो कच्चा बीज है उसको आप अलग कर सकते हैं, जो बिल्कुल अंगुली से इस प्रकार ब्रेक होता है और जो बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है इस प्रकार का। ये देखिए आप ब्रेक नहीं हो रहा, मेरा फुल स्टैंड लग रही है। तो ये पक्का बीज है और आप इसको काम में ले सकते हैं। इस प्रकार हमने ये आज दोनों वेराइटी का बीज प्राप्त किया है। और अब जब हम इसको सुरक्षित रख देते हैं पॉलीथीन की थैली के अंदर पैक करके, और जब जरूरत हो तब आप लगा सकते हैं। और बढ़िया प्रचुर मात्रा में जो जैविक तरीके से बीज तैयार किया जाता है, वो अगर आप जहाँ जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं वो 3 साल बाद में आपका बीज बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। मतलब ये जो हमने हाईब्रिड बीज लिया है इसको अब हम तीसरी साल में, अभी जो हम पहली साल लिया है, पहली साल ये बीज तैयार किया है, इसकी फ्रूटिंग इतनी नहीं आएगी। जब जब इसी बीज को हम जहाँ जो हमारा फार्म है वहाँ पे जैविक तरीके से तैयार किया है, तो दूसरी बार इसी बीज को लौकी लगाएंगे और उसका फिर तैयार करेंगे, उसके बाद में फिर एक बार, मतलब 3 साल बाद में इसकी जो फ्रूटिंग होगी वो 10 गुना तक बढ़ जाएगी। जो बीज है वो फुल ग्रोथ वाला होगा। अभी जो हमने तैयार किया है जो 1 साल का, तो इस प्रकार से ये जो हाइब्रिड बीज आता है उसको हम 3 बार अगर जैविक तरीके से तैयार करते हैं तब जाके ये एक बढ़िया ऑर्गेनिक या देसी बीज तैयार होता है। तो आप ये विशेष ध्यान रखिए कि ये जो हाइब्रिड बीज है वो 3 पीढ़ी के बाद में बढ़िया ग्रोथ देगा। मतलब इस बीज को 3 बार हम तैयार करेंगे तब जाके ये ऑर्गेनिक बीज बनेगा और इसकी जो फ्रूटिंग आएगी वो खतरनाक आएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाइए। और हमारे चैनल ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो में कमी हो या और कोई वीडियो आपको जिस चाहिए
किसी भी सब्जी के पौधे के ऊपर या फलदार पौधे के ऊपर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप उसके ऊपर जानदार और शानदार वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।